नमस्कार, जय जोहार। ये है होममेड ड्रम पैड। ये मिडी ऑक्टोपैड है। इसमें वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है और इसमें एलसीडी मॉनिटर दिया गया है और इसमें चार बटन दिए गए हैं। ये चारों बटन कंप्यूटर में यदि कनेक्ट करते हैं तो काम आएगा। यदि मोबाइल में इसको कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों बटन काम आएगा। इसमें आठ पैड दिए गए हैं और यहाँ देखेंगे तो इस तरह से यह दिख रहा है। और इसमें ये पावर जैक दिया गया है, इसमें एक्सटर्नल पावर इसमें इनपुट कर सकते हैं ऑन ऑफ है इसमें। और इसमें मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, ऑडियो को यहाँ इनपुट करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं इसको, और उसके बाद में यहाँ से इसको बड़े बॉक्स के लिए इसको कनेक्शन दे सकते हैं। मोनो जैक है ये मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए, यूएसबी केबल इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें इसको कनेक्ट किए ये, और इसको इसकी एक छोर को, बहुत लंबा वायर है, इसके एक छोर को इसको मोबाइल में ऐसे इसको कनेक्ट कर देंगे। मोबाइल में इसको कनेक्ट किए, मोबाइल से जो ऑडियो आएगा वह यहाँ पर आएगा और इसके बाद में ये जो मोनो जैक में है इसको यहाँ कनेक्ट किए और इसको एम्पलीफायर में कनेक्ट करके इसको बड़े बॉक्स में बजा सकते हैं। और ये आक्स केबल को डायरेक्ट भी आप इसको आक्स केबल को बड़े बॉक्स में या एम्पलीफायर में इसको ना जोड़ सकते हैं। मोबाइल में जो साउंड आएगा वही आएगा। ये है यूएसबी केबल जो प्रिंटर में लगा रहता है, वही है ये। और इसमें ओटीजी के माध्यम से इसमें हम मोबाइल में इसको कनेक्ट करेंगे और कंप्यूटर में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये ओटीजी है, इसमें इसको लगा दिए और इसको हम मोबाइल में कनेक्ट करेंगे। और यह एफएल स्टूडियो में अच्छा से बजता है, यह ड्रम मशीन में नहीं चलेगा। इसको मोबाइल में इसको कनेक्ट किए। चलिए अब इसके एलसीडी में देखते हैं। थोड़ा सा मोबाइल को मैं जूम कर लेता हूँ पास में, क्योंकि यह दूर से है नहीं दिखेगा, बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है। यह मोबाइल में कनेक्ट हो गया। यहाँ दिखा रहा है किट वन और वॉल्यूम लेवल दिखा रहा है 91 और पेच वन इसमें दिखा रहा है। और उसके बाद में यदि कंप्यूटर में इसको कनेक्ट करेंगे तो इसको दबाएंगे तो यह अप डाउन होगा। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो किट टू किट थ्री ऐसे ये अप डाउन होगा, जिसमें चैनल रैक में दिया रहता है उसमें इसको अप डाउन कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10 इस तरह से इसमें 16 दिया गया है, यह हो गया 16। अब फिर यहाँ देखेंगे पेज वन में है ढोलक दिया गया है। अब इधर से इसमें यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। इसको दबाते हैं तो पेज वन है तो 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 9, 10 इस तरह से इसमें
10 हुआ है, और उसके बाद में यहाँ यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5 और यूजर 6 इतना दिया गया है, और उसके बाद इसमें पेज 1 आ जाएगा फिर से। इस तरह से इसमें 16 पेज लोड करके बजा सकते हैं। इसके टोन को थोड़ा सा देखेंगे, इसमें वॉल्यूम को देखेंगे, तो यहाँ वॉल्यूम को यहाँ देखेंगे, यदि इसको नोब को हम घुमाते हैं तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। साउंड टेस्ट करते हैं। अभी यह पेज 1 में है, इसमें इस तरह से टोन है। यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो पेज 2 आ गया। आप फिर चेंज करेंगे पेज 3, फिर चेंज करेंगे, इसमें लेटेंसी बिल्कुल नहीं है। पेज नंबर 9 बाउंस अच्छा है इसमें। अब उसके बाद में आता है यूजर 1, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हम इसमें इसको असाइन करेंगे, इसमें ऐड करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ कैसे इसमें ऐड करेंगे। छह यूजर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यूजर 1 में देखते हैं, यहाँ एडिट में जाएंगे तो ये जितने भी हमने टोन लोड किया है सब इसमें दिखा रहा है। इसको आखिरी में ले जाता हूँ मैं, ये यहाँ पर इसको हमें असाइन करना है, सेट करना है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐसे लॉन्ग प्रेस करने के बाद में यहाँ दिया गया है सेट मिडी की, यहाँ पर टैप करेंगे। यहाँ पर दिया गया है प्रेस ए की, ऐसे यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको हिट किए तो यह असाइन हो गया इसमें, यानी कि सेट हो गया इसमें, पहले कुछ नहीं था। इस तरह से अब ये किक है, इसको हमें यहाँ पर असाइन करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे इसे, और सेट मिडी की यहाँ इसको टैप करेंगे, और उसके बाद में इसको जहाँ भी असाइन करना है उसको हमें इसे हिट करेंगे, तो यहाँ इसे हेड हो गया।
से, चाहे तो हम एक से ज़्यादा भी हम इसको असाइन कर सकते हैं एक ही पेड में, जैसे यहाँ भी हम इसको असाइन कर सकते हैं इस पेड में। तो इसको भी ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे और सेट मिडी की टैप करेंगे, फिर इसी पेड को हम ऐसे हिट करेंगे तो इसमें दो असाइन हो गया। एक पेड में ये दोनों बजेगा इस तरह से। इसमें और भी असाइन कर सकते हैं, और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम, हाँ इसको भी हम इसी में ऐड करेंगे। तो इसके लिए फिर इसी को मतलब लॉन्ग प्रेस करेंगे और सेट मिडी की करेंगे और फिर इसी को हम ऐसे हिट करेंगे, तो यह ये तीनों के तीनों इसमें बजेंगे इस तरह से, एक दो तीन, किक, स्नेयर और हेड, ये तीनों इसमें ऐड हो गए हैं इस तरह से। और इसमें देखते हैं तो इसको हम असाइन करते हैं इसमें, इसमें अभी कुछ नहीं है, खाली ही है। तो फिर वही लॉन्ग प्रेस करेंगे, सेट मिडी की, यहाँ यहाँ इसको, उसके बाद में फिर इसको हम जिस भी पेड में असाइन करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, उसको हम हिट करेंगे इसे, ओके ये इसमें सेट हो गया। यूजर वन में 8 कर सकते हैं और यूजर टू में वैसे कर सकते हैं, यूजर थ्री में इस तरह से, जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें हम ऐड करेंगे, अभी कुछ नहीं है, यूजर थ्री में ले आते हैं, इसमें साइन कर रहे हैं हम, इसको यहाँ असाइन करेंगे इस तरह से, एक जो 3 4 5 6 7 8 में सभी में हम असाइन करके देखेंगे। यूजर थ्री में कर रहे हैं, और इसको वैसे सेट करेंगे, सेट मिडी की करेंगे, अब एक दूसरा नंबर पेड, और इसको फिर वैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे सेट मिडी की, इसमें असाइन किया, और इसी तरह सभी को हम यहाँ सेट कर देंगे। इस तरह से इसमें सेट कर सकते हैं, इस तरह से इसमें सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें इसमें कुल मिला के 16 पेज इसमें आप बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और इसके वॉल्यूम को देखते हैं, यहाँ से इसको टैप किए, वॉल्यूम को नोब को इसे घुमाएंगे तो यह अप डाउन हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है इस तरह से। इसको बढ़ाएंगे तो और जोर से बजने लगेगा, कम करेंगे तो यह कम हो जाएगा।
कुछ इसमें बजा के देखते हैं। इस तरह से यह है। कैसा लगा कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।